Assalamualaikum, good morning student. चलो आज हम कक्षा में हिंदी में उ और ऊ की मात्रा का अभ्यास करते हैं। बच्चों आगे के वीडियो में हमने ये मात्राएं पढ़ी है, अब उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले उ की मात्रा देखते हैं। उ की मात्रा यानी उसको छोटी उ की मात्रा भी कहा जाता है, उसको ऐसे लिखा जाता है, उसको छोटी उ की मात्रा कहा जाता है। बच्चों ये जो मात्राएं होती हैं वो मात्राएं व्यंजन के साथ लगाई जाती हैं। यहाँ हमने कुछ व्यंजन दिए हैं, ये व्यंजनों को हम पहले रीड करते हैं। पहले लिखा है क, च, ज, ड, ल और ह। तो बच्चों ये व्यंजनों के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे। ये जो व्यंजन दिए हैं उसके साथ हम उ की मात्रा, ये जो छोटी उ की मात्रा भी कहा जाता है, तो वो मात्रा हम लगाएंगे। तो पहले है क और क के साथ हम उ की मात्रा लगाते हैं, तो क्या होगा बच्चों उ, क्या होगा उ। च, च के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे तो चू। ज के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे जू। ड के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों डू, क्या होगा डू। और ल के साथ लगाएंगे तो लू, क्या होगा लू। और ह के साथ लगाएंगे तो हु। तो इसी तरह व्यंजनों के साथ हमें उ की मात्रा लगानी है। तो फिर से ये जो व्यंजन वर्ण है वो रीड करते हैं। क, क के साथ उ की मात्रा है तो उ, उसको हम क्या कहते हैं उ, उसको ज्यादा हमें खींचना नहीं है। उ, चू, जू, डू, लू और उ, इसी तरह हमें ज्यादा खींचना नहीं है, सिंपल सा सीधा सा ही हमें ये बोलना है। बच्चों फिर से हम एक बार उसको रीड करते हैं। उ, चू, जू, डू, लू और उ। अब देखते हैं कि ये जो व्यंजन है ये व्यंजनों के साथ हम मात्रा लगाएंगे तो कैसे शब्द बनता है, वो शब्द कैसे होता है। यहाँ पहले दिया है, क्या व्यंजन दिया है क, क्या है बच्चों क, और उसके साथ क्या है छ, क्या दिया है छ, और छ के साथ कौन सी मात्रा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं उ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है उ की मात्रा, और यहाँ क्या दिया है आ, क्या दिया है आ। तो सबको मिला के हमें शब्द बनाना है, क्या बनाना है बच्चों शब्द बनाना है। तो हमें ये सबको मिला के शब्द बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है क, क्या लिखा है तो क, तो हमने क्या लिखा क, अभी छ है तो छ लिखा, उसके साथ कौन सी मात्रा आएगी उ की मात्रा, कौन सी मात्रा आएगी उ की मात्रा, और आ तो क्या होगा कछुआ, बच्चों क्या होगा कछुआ। हमें यहाँ जो प्लस प्लस दिया है उसको हटाना है, और हटा के जो वर्ण दिया है, जो मात्राएं दी है उसको लगा के पूरा शब्द बनाना है। तो इसी तरह हमने पहला शब्द बनाया कछुआ, बच्चों क्या बनाया कछुआ। अब बाद में है प, बाद का जो वर्ण है वो कौन सा है प, प के साथ स, और स के साथ कौन सी मात्रा है उ की मात्रा, जो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। तो बच्चों हम उसको अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे प है तो प, और उसके साथ स, और स के साथ उ की मात्रा, तो वो क्या होगा पशु, क्या होगा पशु। अब उपवन, यहाँ पहले हमें यहाँ पहले क्या दिया है स्वर, क्या दिया है स्वर, जो मात्रा के रूप में नहीं है, यहाँ हमें कोई मात्रा नहीं दी है, यहाँ जो मात्रा है वो कौन से रूप में है स्वर के रूप में, जो हम उ की मात्रा सीख रहे हैं वो यहाँ हमने स्वर के रूप में लिया है। उसके बाद कौन सा वर्ण है बच्चों प, कौन सा वर्ण है प, प के बाद क्या है व, प के बाद क्या है व, और व के बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों न लिखा हुआ। तब ये सबको मिला के हमें शब्द बनाना है, तो सबसे पहले कौन सा शब्द है उ, कौन सा वर्ण है उ, तो हम यहाँ लिखेंगे उ, उसके बाद क्या है प, तो प लिखेंगे, उसके बाद व और न, तो बच्चों ये क्या होता है उपवन, क्या होता है उपवन। बच्चों यहाँ हमने जो आगे सीखा कछुआ, कछुआ में छ के साथ उ की मात्रा है, पशु, पशु में स के साथ उ की मात्रा है, लेकिन उपवन में कोई मात्रा हमें दिखाई नहीं देती, यहाँ जो स्वर है वो स्वर ही हमें मात्रा के रूप में दिया गया है उ, जिसको हम छोटा उ भी कह सकते हैं। तो बच्चों फिर से हम ये करते हैं कछुआ पशु उपवन,
आप भी मेरे साथ फिर से रिपीट करो, कछुआ, पशु, उपवन। यहाँ जो उपवन है, उपवन में जो उ है वो स्वर के रूप में मात्रा में दिया गया है। अब बच्चों हमें ये जो पिक्चर है वो पिक्चर को चित्र को देखना है और उनकी मात्रा लगानी है। बच्चों ये पहला पिक्चर कौन सा है आपको पता है? ये पहला पिक्चर कौन सा है? ये जो पहला पिक्चर है, ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो किसका है? धनुष का। कौन सा है? धनुष का। तो हम लिखेंगे ध, कौन सा व्यंजन आएगा? ध। फिर उसके साथ क्या आएगा? न। क्या होगा बच्चों? न। न के साथ क्या होगी? उ की मात्रा। क्या होगी? उ की मात्रा। और उसके बाद आएगा स। क्या होगा? षट्कोण वाला स। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों? धनुष। क्या होगा? धनुष। ये कौन सा पिक्चर है? धनुष। तो इसी तरह हम पिक्चर देखकर भी शब्द बना सकते हैं। अब दूसरा चित्र कौन सा है बच्चों? कौन सा है? ये गुलाब का। कौन सा है? गुलाब का। तो हम लिखेंगे ग, ग के साथ उ की मात्रा, ला और ब व्यंजन लिखेंगे। तो बच्चों ये क्या होगा? गुलाब। क्या होगा? गुलाब। तो बच्चों इसी तरह हम चित्र पहचान कर कर उ की मात्रा का जो शब्द है वो शब्द लिख सकते हैं। ये शब्द हम फिर से पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है? धनुष। बच्चों अगर हमें शब्द बनाना है तो उसके बीच में जो प्लस दिया गया है वो हटा देना है और जैसा लिखा है वैसा ही हमें यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा बनाना है? धनुष। कौन सा है? धनुष। और बाद में क्या है? गुलाब। तो धनुष में नौ के साथ उ की मात्रा लगाई है और गुलाब में गौ के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। चलो बच्चों हम अब हम दो वर्ण वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहला कौन सा शब्द है? पशु। पशु में स के साथ उ की मात्रा लगाई है। पुल। पुल में प के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। दुख। दुख में द के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। फिर पशु स में उ की मात्रा लगाई हुई है। सुन। सुन में भी स के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। बुन। बुन में ब के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। मुख। मुख में म के साथ उ की मात्रा है। और कुली। कुली में क के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। बच्चों उसको हम रिंग करते हैं। पशु, पुल, रूप, सुन, बुन, मुख और पुली। बच्चों उसको ज्यादा खींचना नहीं है। अब तीन वर्ण वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहला है साबुन। क्या है? साबुन। साबुन में ब के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। यमुना। यमुना में म के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। दुकान। दुकान में ध के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। चतुर। चतुर में ट के साथ उ की मात्रा है। जामुन। जामुन में म के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। और दातुन। दातुन में ट के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों फिर से उसको हम लिख करते हैं। साबुन, यमुना, दुकान, चतुर, जामुन और दातुन। अब चार वर्ण वाले शब्द देखते हैं। यहाँ सबसे पहला है चुनमुन। क्या है? चुनमुन। तो च में भी उ की मात्रा है और म में उ की मात्रा लगाई हुई है। यहाँ दो व्यंजनों के साथ उ की मात्रा लगाई है। बुलबुल। बुलबुल में ब के साथ उ की मात्रा है। फूलदान। फूलदान में फ के साथ उ की मात्रा है। और कुटरना। कुटरना में क के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों इसी तरह हम मात्रा लगा के उ की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। अब बच्चों हम बड़ी उ की मात्रा का अभ्यास करते हैं। बड़ी, उसको बड़ी उ भी कहा जाता है। उ, उसको हमें थोड़ा खींचना है और खींचकर बोलना है। उ, बड़ी उ की मात्रा इसी तरह लिखाई जाती है। यहाँ हमें कुछ व्यंजन दिए हैं, वो व्यंजनों के साथ हम ये जो उ की मात्रा है वो लगाएंगे। पहला वाला व्यंजन है क। क्या है? क। क के साथ हम उ की मात्रा लगाएं ये तो क्या होगा? कु। क्या होगा? कु। ख के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे वो क्या होगा? कु। भ के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे भू। ज के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे झू। और स के साथ हम उ की मात्रा लगाएंगे सु। जैसे एक बार हम रीड करते बच्चों। कु, कु, भू,
जू और सु। तो इसी तरह हम व्यंजन के साथ उ की मात्रा लगा सकते हैं। बच्चों अब हम ये मात्रा वाले जो शब्द है वो शब्द हम कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने कौन सा व्यंजन दिया है बच्चों, क्या दिया है? स। स के साथ कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा। फिर र, और र के साथ क्या दिया है बच्चों? ज। तो अब उसका हम शब्द बनाएंगे तो वो क्या होगा बच्चों? सूरज। क्या होगा? सूरज। पहले हमें स दिया है, फिर उसके साथ उ की मात्रा है, फिर र है और ज है। तो बच्चों ये क्या होगा? सूरज। क्या होगा? सूरज। अब दूसरा शब्द देखते हैं, ये कौन सा वर्ण है बच्चों? उ। कौन सा वर्ण है? उ। और उसके साथ क्या है? न। कौन सा व्यंजन है? न। तो हम क्या लिखेंगे? ऊन। क्या लिखेंगे? ऊन। बच्चों यहाँ जो ऊ दिया है वो हमें स्वर के रूप में दिया है। कौन से रूप में दिया है? स्वर के रूप में दिया है। अगर हमें यहाँ स्वर के रूप में ऊ दिया है तो हम ऐसी मात्रा उसके साथ नहीं लगा सकते, जो स्वर वर्ण है वो ही हमें लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे? ऊन। क्या लिखेंगे? ऊन। तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? सूरज। कौन सा है? सूरज और ऊन। क्या है? ऊन। सूरज और ऊन। अब उ की मात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं वो देखते हैं बच्चों। यहाँ सबसे पहला शब्द कौन सा दिया है? भालू। कौन सा शब्द है? भालू। तो भालू में ल के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। आलू। आलू में ल के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। बालू। बालू में ल के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। फूल। फूल में फ के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। तराजू। तराजू में ज के साथ उ की मात्रा लगाई हुई है। बबुल। बच्चों यहाँ जो ये बबुल लिखा है उसके बाद कौन सा शब्द है? खजूर। क्या है? खजूर। खजूर में हम ज के साथ उ की मात्रा लगाएंगे। नाखून। नाखून में हम ख के साथ उ की मात्रा लगाएंगे। तरबूज। तरबूज में म के साथ उ की मात्रा लगाएंगे। कबूतर। कबूतर में म के साथ उ की मात्रा लगाएंगे। मजबूत। मजबूत में म के साथ उ की मात्रा लगाएंगे। अमरूद। अमरूद में र के साथ उ की मात्रा लगाइए। लेकिन बच्चों जब र व्यंजन होगा तो उसके नीचे मात्रा नहीं आएगी, र के साथ उ की मात्रा आएगी। यहाँ र के साथ उ की मात्रा आएगी। यहाँ जो सब वर्ण है वो वर्ण में हमें वर्ण के नीचे उ की मात्रा लगाई है, तो र में मात्रा नीचे नहीं जाएगी। यहाँ जो र है र के साथ उ की मात्रा होगी, तो वो क्या होगा? अमरूद। क्या होगा? अमरूद। तो बच्चों फिर से ये जो शब्द है वो एक बार हम पढ़ते हैं। भालू। क्या है? भालू। आलू। बालू। ऊन। तराजू। बबूल। खजूर। नाखून। तरबूज। कबूतर। मजबूत। अमरूद। बच्चों हम ऊ और ऊ की मात्रा का मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ दिया है ऊ और ऊ की मात्रा वाले शब्द को अलग अलग करके लिखो, यानी हमें छोटी ऊ और बड़ी ऊ दोनों वाले शब्द यहाँ दिए हैं उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। अगर वो छोटी ऊ यानी ऊ की मात्रा वाले शब्द है तो यहाँ लिखना है, और बड़ी ऊ यानी ऊ वाले जो शब्द है उसको हमें यहाँ लिखना है। तो पहले बच्चों हम ये शब्द लिख करते हैं क्या लिखा हुआ है वो। सूरज। पहले क्या लिखा है? सूरज। फिर गुड़िया। कुम्हार। बालू। बुलबुल और चूहा। तो बच्चों यहाँ हमें दोनों ऊ और ऊ दोनों मात्रा वाले शब्द दिए हैं, तो अब हमें यहाँ उसको अलग अलग करके लिखना है। तो बच्चों सबसे पहला शब्द कौन सा है? सूरज। कौन सा है? सूरज। तो हम उसको किसमें लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, जो बड़ी की मात्रा कही जाती है वहां लिखेंगे सूरज। ओके, इसके बाद क्या लिखा है? गुड़िया। क्या लिखा है? गुड़िया। तो उसमें कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे गुड़िया। क्या लिखेंगे? गुड़िया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? कुम्हार। क्या लिखा है? कुम्हार। तो कुम्हार में क के साथ ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कुम्हार। क्या लिखेंगे? कुम्हार। अब आगे
आगे क्या लिखा है बालू, क्या लिखा है बालू। तो यहां कौन सी मात्रा है बच्चों, उ की मात्रा है यानी बड़ी उ वाली मात्रा है। तो उसको हम क्या कहां लिखेंगे, ये उ वाली मात्रा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बालू, क्या लिखेंगे बालू। आगे लिखा है बच्चों बुलबुल, क्या लिखा है बुलबुल। बुलबुल में ब के साथ उ की मात्रा है यानी छोटे उ वाली मात्रा है। तो हम क्या कहां लिखेंगे, छोटे उ वाले बॉक्स में लिखेंगे बुलबुल, क्या लिखेंगे बुलबुल। अब आगे चूहा, क्या लिखा है चूहा। तो चूहा में च के साथ कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा है यानी बड़ी उ वाली मात्रा है। तो उसको हम यहां लिखेंगे चूहा। तो बच्चों इसी तरह हम उ और उ की मात्रा वाले शब्द अगर हमें एग्जाम में पूछा गया है तो इसी तरह हमें अच्छे से लिखना है। उ की मात्रा है तो वही वो वाले शब्द लिखने हैं और उ की मात्रा है तो यही वो वाले शब्द लिखने हैं। तो इसी तरह हमें अच्छे से पेपर में लिखना है अगर पूछा गया है। बच्चों आप जो भी मैंने आपको रिवीजन करवाया उ और उ की मात्रा वाला, वो रिवीजन आपको अच्छे से करना है, उसकी पढ़ाई करनी है और अच्छे से आपको एग्जाम में लिखना है। धन्यवाद।